और आपने जिस तरह से माहौल आज भिवंडी में बनाया है, मैं आसिम भाई जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि अगर कोई सबसे बड़ी पार्टी भिवंडी शहर में है तो वो समाजवादी। एफिडेविट आपको देने को तैयार हो, भिवंडी में शिवसेना बीजेपी जीतेगी या समाजवादी पार्टी जीतेगी, कांग्रेस चुनकर आने वाली नहीं है। उसी पर जो भिवंडी की वेस्ट की सीट है ना, हमेशा हमने जो वोट अच्छा वहां लिया है। भिवंडी शहर के जाने माने दिल्ली दरबार ढाबे के तीन डिशेस लोगों में काफी ज्यादा मशहूर हो रहे हैं। गावटी हंडी, अरेबियन डिश मटन एंड चिकन राइस मंडी और मटन चाप तंदूरी, ये तीनों ही अपने लजीज जायके और यूनिकनेस की वजह से ढाबे पर आने वालों की पहली पसंद बन रहे हैं। अगर आप भी यहाँ आए तो इन डिशेस को जरूर ट्राई करें। सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है मुंबई के अबू आसिम आजमी, उनके ऑफिस के पास। आज यहाँ पर एक भिवंडी से रिलेटेड एक प्रोग्राम रखा गया था, जहाँ पर भिवंडी ईस्ट के MLA रईस शेख द्वारा और अबू आसिम आजमी द्वारा यहाँ पर पद वाटअप किया गया। टोटल यहाँ पर 13 से 14 लोगों को यहाँ पर पद वितरण किया गया ईस्ट जोन में। क्या है पूरा मामला, आइए इस वीडियो में देखते हैं। भाई थोड़ा जानकारी देंगे, आज प्रोग्राम में 14 लोगों को पद वाटअप किया गया, क्या है पूरा मामला? देखिए भिवंडी ईस्ट का संगठन अभी तैयार होना जा रहा है, शुरुआती दौर में 14 लोगों को आज पद दिया गया है। ये एक सिंबॉलिक प्रोग्राम था, लेकिन वो सिंबॉलिक प्रोग्राम इतना बड़ा हो गया कि आज 65 से ज़्यादा गाड़ियाँ भिवंडी से आई। आज पहली बार पूरा ये समाजवादी कह रहे से हम उसको बोलते पूरा भर गया, इतना उत्साह लोगों में था। ये एक नया संगठन इसमें खड़ा हो रहा है, नासिर जावेद है, जैद है, रिजवान है, माविया है, साजू है, सभी लोग हैं। ये अभी आगे चल के समाजवादी के अलग अलग विंग्स हैं, बेसिक है, यूथ है, मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड है, महिला है, माइनॉरिटी है, स्टूडेंट सेल है, सभी सेल्स बनाएंगे। और आज ही आपने देखा होगा कि इतने सारे लोग आए, आने वाले दिनों में 200-300 लोग पद लेने वाले हैं। 15-20 दिन में नासिर जावेद और जैद साजू वगैरह बैठ के भिवंडी में बड़ा कार्यक्रम लेंगे, आसिम भाई को बुलाएंगे। आज 288 बूथ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है, बहुत सारे कार्यकर्ता नेता भादवड़ से, कामतगढ़ से भी आए, आज अलग अलग गाँव ग्रामीण से आए हैं। तो एक बड़ा संगठन समाजवादी पार्टी का तैयार हुआ है और मुझे उम्मीद है कि डेवलपमेंट का एक मॉडल जो है भिवंडी शहर बनेगा। और समाजवादी पार्टी किस तरह से काम करती है, आज जैसे समाजवादियों ने जो काम किया है पूरे भिवंडी शहर में, वो देखने लायक है। और आगे भी काम चल रहा है, लोगों का विश्वास समाजवादी पार्टी पे आ रहा है। और आने वाले दिनों में जो चुनाव होंगे, चाहे कॉरपोरेशन के हो, चाहे आमदार के हो, चाहे MP के हो, मुझे उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी को भारी सक्सेस मिलेगी। युवा जन जो है समाजवादी से बहुत बड़ी तादाद जुड़ रहा है। जनाब अबू आसिम आजमी साहब के हाथ से आज सारे पद वितरण किए गए, आसिम भाई ने अपनी बात रखी है और संगठन को ये सब लोग मजबूत करेंगे, मुझे उम्मीद है। और आसिम भाई आने वाले दिनों में भिवंडी शहर में आएंगे और एक नई ऊर्जा के साथ सब लोग आगे बढ़ेंगे, मुझे उम्मीद है। मेरे बहुत सारे साथी आज भिवंडी से मुंबई आए, गाड़ियों में आए, समाजवादी पार्टी का झंडा लगाते हुए आए और आके यहाँ पे जनाब अबू आसिम आजमी साहब के साथ पद लिए। मैं सबका, तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। सर यहाँ पे हमने देखा ये कि सबसे बड़ा पद भिवंडी में अभी फिलहाल अबू आसिम सर के पास है अध्यक्ष पद का, उसके बाद लोग उम्मीद कर रहे थे कि उप अध्यक्ष पद किसी दिया जाएगा, तो वो उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, अभी समाजवादी पार्टी की जो बेसिक बॉडी आसिम भाई की है वो भी अनाउंस होगी। अभी हमने पहले ईस्ट के 14 पद दिए थे, पद बहुत दिए जाएंगे, बहुत अनाउंस होंगे, फेजेस में होंगे। इसमें कुछ नए पद देखने को मिले तो एक हमने देखा कुछ रिक्शे का किसी को पद दिया गया। अलग अलग सेल होती है, रिक्शा सेल होती है, अलग अलग समाजों की सेल होती है, कई सेल बने हैं, कई सेल बनाएंगे। आसिम भाई के आदेश पे हम लोग अलग अलग सेल बना रहे हैं, लोगों को अकोमोडेट कर रहे हैं, लोग ज़्यादा पद मतलब कम है, तो आने वाले दिनों में और ऐसे पद अनाउंस किए जाएंगे। शुक्रिया।